मैं धन्यवाद देता हूँ जनता का कि मेरे सभी गानों को प्यार दिया मैंने। देवी गीत, राम भजन और रोमांटिक गीत सारे गाने गाने, फिल्मों में भी काम किया, फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी और सभी गानों को जनता ने प्यार दिया। अब किसी को कोई गाना पसंद आता है, किसी को कोई गाना पसंद आता है। मैंने भजन भी बहुत अच्छे गाए हुए हैं और अभी इस नवरात्र में भी मेरा एक देवी गीत बहुत जनता ने पसंद किया है। दिवाली आने वाली है 2-1 दिन में, और राम जी का आप बता रहे हैं फैजाबाद से ही आप बिलोंग करते हैं, अयोध्या नगरी बगल में है, और बहुत बड़ा दीपोत्सव भी सरकार करवा रही है, और वहाँ पर तमाम तरीके के राम जी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और आपने संगीत भी गाए, उसी में से एक जो है मुखड़ा आज हो जाए। जी, बिल्कुल, बहुत प्यारा सा भजन है, दर्शकों ने बहुत सराहा है, प्यार दिया है। प्यारी प्यारी राम जी के बानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्यारी प्यारी राम जी के पत्नी के बीच का बिल्कुल जी बिल्कुल, और पति पत्नी का तो है ही है। जीजा साली का बड़ा रोमांटिक सॉन्ग एक हिट हुआ था, हमारा हर डीजे पे बजा है कि अगर से तोहके घघरा मंगाएब, जयपुर से जाके चोली ले आएब, आजमगढ़ से ओढ़नी की नाएब हो, एक बेरी प्यार से जीजा जी कही दा टबेरा पतोह के घुमाएब हो, एक बेरी प्यार से जीजू जी कही दा फॉर्चूनर में सफर कराएब हो। ये थे दिवाकर द्विवेदी जी, जिनका साफ तौर पर जो है यही कहना था कि राम जी का जो अभी हाल में महोत्सव होने जा रहा है, वहाँ पर भी दीपोत्सव है, उनके विषय में इन्होंने बढ़िया सा एक सुंदर सा ई टीवी को पे भजन सुनाया। उसके अलावा रोमांटिक भी इन्होंने सॉन्ग सुनाया, हालांकि ये सॉन्ग जो है हमेशा सुनने को मिलते हैं। ई टीवी से इन्होंने खास बातचीत की है, इसके लिए इनको धन्यवाद। पंकज मिश्रा, ई टीवी, भारत, अम्बेडकर नगर।